मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज अगेन हम मदरोटा में मौजूद हैं, शानी खान का ये स्टड फार्म है। यहाँ पर आज मैं आपको एक बड़ी ही कमाल की और नायाब चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये आप मेरे पास घोड़ी देख रहे हैं, स्पेनिश है, जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। इसका नाम है रूबी और माशाल्लाह अगर इसकी हाइट आप कंसीडर करें तो तकरीबन इसकी हाइट जो है वो 70 इंचज़ के करीब होगी या आई थिंक इससे ज़्यादा हो, लेकिन तकरीबन 70 इंच के करीब इसकी हाइट है। और जो ख़ास बात जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो इसलिए करने जा रहा हूँ कि इस फार्म पे इस स्पेनिश घोड़ी से जो ब्रीड ली गई है वो देसी घोड़े के क्रॉस से ली गई है, और देसी घोड़े के क्रॉस का रिज़ल्ट कैसा है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और कौन कौन सी जो खसूसियात हैं इस घोड़ी की वो उस बच्ची में गई हैं, उसके बाप की क्या क्या खसूसियात गई हैं, कौन से घोड़े को क्रॉस करवाया गया देसी घोड़े को, वो बातें करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी अगर आप फिली देखें, ये जो बच्ची है इसकी माँ के कान अगर देखें और इसकी बच्ची के कान देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप ये स्पेनिश घोड़ी के कान देखें तो इनके कान ज़रा थोड़े से मोटे से होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, चौड़े कान होते हैं कह लें आप, तो इनकी और देसी घोड़ों की कानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन जो हमारे देसी घोड़े हैं वो उनकी जो नोकें होती हैं कानों की वो ऊपर से मिली होती हैं अक्सर, या उनकी नोकें ज़्यादा तीखी होती हैं, लेकिन इनके जो कान होते हैं वो सीधे होते हैं। तो अगर आप इसकी बच्ची को देखें, इसकी बच्ची के जो कान आए हैं वो मैंने इसको बड़े ऑब्ज़र्व किया है अच्छे तरीके से कि कान जो है वो अपने बाप पे ले गई है, और जो बाप है उसका नाम संगराल है। हाइट उस घोड़े की 63 से 4 इंचज़ के करीब है। बहुत खूबसूरत घोड़ा है नाज़रीन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हाइट पे हम जाएँ तो इस फिली की अभी से हाइट बहुत अच्छी है, और इसके जो फीचर्स हैं, इसका जो पुट्ठा है, इसकी जो गर्दन है, इसका आगास आप चेक कर सकते हैं, और दूसरी इसका जो रंग है, रंग बड़ा नायाब है, वो आप इसकी माँ पे भी कह सकते हैं या इसका बाप जो है वो सावे रंग का है, दोधिया सावा आप कह सकते हैं। तो दोनों घोड़ी और घोड़े बड़े खूबसूरत हैं। अक्सर लोग एतराज़ करते हैं, जी आप पाकिस्तान में जो है घोड़ों को क्रॉस करवाते हैं, एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड के साथ क्रॉस करवाते हैं, प्योर ब्रीड नहीं रहने देते। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप घोड़ी या घोड़े को मैच कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि नेक्स्ट जो ब्रीड हमारे पास आएगी वो बड़ी खूबसूरत आ सकती है। तो ये इनका जो तजर्बा है मेरे ख़्याल से ये कामयाब रहा है, क्योंकि जो चीज़ ये लेना चाहते थे इस घोड़ी में, इस बच्ची में, वो इनको मिली है। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पेनिश या बैन अल-अक़वामी ब्रीड्स हैं उनके कानों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, बाकी उनकी बॉडी वगैरह काफ़ी बड़ी होती है, और देसी घोड़ों में जो बॉडी है वो ज़्यादा उनकी हाइट नहीं होती। ज़्यादातर जो घोड़े होते हैं हमारे 61-2 के करीब जाकर रुक जाते हैं, लेकिन इस जो बच्ची है इसमें ये होगा कि इसकी हाइट अपनी माँ पे चली जाएगी, और इसका बाप भी बहुत नफीस है, खूबसूरत है। तो इस बच्ची के जो पुट्ठे हैं आप देखें, पुट्ठे में देखें कितना इसका फ़र्क है, कि अगर हम देसी घोड़ों को देखें तो उनके बच्ची जो होते हैं या फिली या कोल्ट होते हैं उनमें इतना बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा नहीं होता। अभी ये जो बछेरी है ये 1 महीने की है, लेकिन अगर हम इसको देसी बछेरियों के साथ कंसीडर करें तो 3-4 महीने की जो देसी बछेरियाँ होंगी वो इस तरह की बछेरी होगी। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिफरेंट ब्रीड्स को क्रॉस करवाना चाहते हैं या ब्रीड्स लेना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो बैन अल-अक़वामी ब्रीड है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपने अडॉप्ट करना है, और देसी घोड़े की कौन सी चीज़ों को आप उसमें लाना चाहते हैं। तो आप जो है वो देसी घोड़े के, इन्होंने कान देखे हैं, वो बच्ची में कान आ गए हैं देसी घोड़े के,
और हाइट अगर देखें तो इसकी माँ की हाइट है, हाइट इसकी माँ की तकरीबन 7 इंचज के करीब है। अच्छा, इसका जो बाप है नाज़रीन वो सावे कलर का है, लेकिन आप देखें कि इसकी जो बच्ची आई है उस घोड़े की, संगराल घोड़े की, बहुत ही खूबसूरत बच्ची उसने दी है और ज़्यादातर खसूसियात अपने बाप पे लेकर गई है, लेकिन इसकी जो जादे और पूछल है वो अपनी माँ जैसी है। तो अगर ये इम्तजाज इकट्ठा इन्होंने किया है तो ये बड़ा खूबसूरत एक इन्होंने कंपेयर किया है इसको, और ये जो पेयर बनाया है ये बहुत अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो घोड़ी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इसकी मज़ीद खसूसियात जो हैं वो नेक्स्ट आगे आती जाएंगी, और अगर ये इसको मज़ीद देसी घोड़ों से क्रॉस करवाएंगे तो एक खूबसूरत और अच्छी हाइटेड चीज़ जो है वो सामने आ सकती है। अभी मैं आप लोगों को इसका बाप भी दिखाता हूँ जिस घोड़े से इस घोड़ी को क्रॉस करवाया गया, फिर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस बच्ची में आई हैं। और दूसरा ये है कि आप हमें टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है ehsanikbal206, मैं नीचे मेंशन भी कर रहा हूँ, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर भी हम घोड़ों से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस शेयर करते रहते हैं और इंफॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको इस घोड़ी के साथ जो घोड़ा क्रॉस करवाया गया उसकी भी वीडियो दिखाता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये है जी घोड़ा संगराल जो कि मेरे अकब में आप देख रहे हैं, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत घोड़ा है, नफीस घोड़ा है। इस घोड़े की खूबसूरती आप इसके कानों से लेकर सुम तक देख सकते हैं कि इसकी 63 से 4 इंचज़ के करीब हाइट है, और ये खट्टर संगराल जो क्लब है उसका सबसे खूबसूरत घोड़ा है, और इसी घोड़े को उस स्पेनिश घोड़ी पर क्रॉस करवाया गया जिसके बाद जाके वो फिली जो है, वो वछेरी जो है वो इनको हासिल हुई है, और ये बड़ा ही एक खूबसूरत इम्तजाज था जो इन्होंने ये घोड़े को उस बड़ी बॉडी की घोड़ी पे मिलाया। तो अभी वक्त के साथ साथ नाज़रीन मज़ीद जो है वो उस वछेरी में क्वालिटीज़, उसकी खसूसियात जो हैं वो मज़ीद नमाया होती जाएंगी। तो स्पेनिश और देसी घोड़ी का क्रॉस जो है ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, ये यहाँ पर फार्म में, इस फार्म पर पहला रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है कि किस तरह का जो दोनों को इनका मिलाप हुआ है, इनको क्रॉस करवाया गया है, रिजल्ट्स किस तरह के हैं। अभी मज़ीद जो घोड़े हैं इन्होंने क्रॉस करवाए हैं उनके भी रिजल्ट्स आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप डिफरेंट ब्रीड्स को क्रॉस करवाते हैं तो पहले, सबसे पहले इस चीज़ को कंसीडर करें कि दोनों ब्रीड्स में किन किन चीज़ को, किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, आप लोगों का रिज़ल्ट कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज़ आप मतवक्को कर रहे हैं, फिर जाके आप घोड़े को सामने रखते हुए उनको क्रॉस करवाएं, उसके बाद जाकर आप अपनी उम्मीदों पे पूरा उतर सकते हैं और अच्छा रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको इस फार्म की देसी घोड़ियाँ दिखाऊंगा, खूबसूरत घोड़ियाँ हैं, वो भी आप देखिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और जो फिली है उसके बारे में भी आपने बताना है कि किस तरह का रिज़ल्ट आया। तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।